I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. कल हम निकले थे टोरंटो से कोई 300 किलोमीटर दूर एल्गोंक्विन नेशनल पार्क की तरफ, एंड वी वर स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल कॉटेज जो एल्गोंक्विन से कुछ 100 किलोमीटर दूर मिंडन में है। अब तक हमने सिर्फ आपको एल्गोंक्विन के रास्ते में आने वाले फॉल कलर्स एंड ये छोटे से टाउन की एक झलक दिखाई थी। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कनाडा एट इट्स बेस्ट इन दिस ब्यूटीफुल फॉल सीजन। And we don't need to do the things we don't want to do. Hey guys, welcome back to our channel. आज हम जा रहे हैं एल्गोंक्विन फॉल कलर्स देखने, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, विच इज बाहर हो गई बारिश। बहुत ही सुंदर है अभी भी। आज का व्लॉग जो है वो ड्रोन से शुरू करना था। आई डोंट नो ये ड्रोन से शुरू हुआ है, अगर ड्रोन से शुरू हुआ था ये वाला शॉट तो ये बेसिकली कल का शॉट है। हम थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं बट यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो पता नहीं कितना कर पाएंगे, क्या कवर कर पाएंगे। आजा सिमरन, तू भी है चैनल का पार्ट, तो वो नहीं पता कैसे कर पाएंगे। गाइस इतनी बढ़िया बढ़िया चेयर्स हैं लेकिन हम उस पे बैठे ही नहीं। कल रात को भी बारिश हो गई थी। यहाँ पे पीछे बहुत ही अच्छी फायरप्लेस है, हमने पूरा इंतजाम कर लिया था फायरप्लेस का, बट हम भी नहीं कर पाए ना। मेरे को ऐसा लगता है कि हम इंजॉय कर ही लेंगे अगर बारिश हो भी जाए तब भी, तो ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे आज एल्गोंक्विन पार्क में। तो ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते बिकॉज नेशनल पार्क है, प्रोविंशियल पार्क है, सो यू कैन नॉट फ्लाई अ ड्रोन। नहीं भी उड़ा पाएंगे तब भी बहुत सुंदर होगा। रास्ता दिखा देते हैं आपको और थोड़ा बहुत बारिश, लेट्स गो इनसाइड। चलो, नहीं नहीं बारिश में भीगते ना थोड़ा सा। चलो ओके बाय। तो वैसे कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या कंटेंट बनाने वाले हैं आज, क्योंकि बिल्कुल ही बारिश हो रही है, बाहर जा नहीं पाएंगे हम। तो देखो कोशिश करते हैं कुछ कुछ दिखाने की। तो गाइस पूरी कोशिश चल रही है, फोन में चल रही है रिकॉर्डिंग, क्योंकि फोन हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमारे माइक्स जो है वो फोन में आई थिंक ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो आपको आ रही होगी। नहीं तो गोप्रो हमने ऑन कर रखा है, गोप्रो जो है वो वाटरप्रूफ है, देखते हैं कब तक रहता है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ होता है हमेशा। हाँ हाँ ध्यान से आइए, वो पैर गाड़ के गाइस एक ना हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी ऐसी ट्रेल्स करो यू शुड हैव द राइट शूज। बिल्कुल, शूज एकदम सही होने चाहिए, स्लिपरी नहीं होने चाहिए, फ्लैट शूज नहीं होने चाहिए, यू शुड ऑलवेज हैव। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एंकल फ्रैक्चर करा चुकी हूँ एक बार। सिमरन जब हम हांगकांग में थे ना तो सिमरन का हुआ था एंकल फ्रैक्चर, बहुत ही जबरदस्त। एयरलिफ्ट हुए थे हम। एयरलिफ्ट हुई थी सिमरन तब। 3 महीने तक सिमरन वॉज ऑन द बेड। यस, मैंने बहुत सेवा करी थी। बिल्कुल करी थी। अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है पूरी लाइफ। नहीं ओके okay. इतना नहीं है। नहीं यहाँ हम पोस्टर को लेके तो नहीं आ सकते। तो गाइस हम बेसिकली वहां जा रहे हैं नीचे, आई डोंट नो वहां पे क्या होगा बट जा रहे हैं वहां पे। हाँ वहां नीचे जा रहे हैं। कैसे? हाँ यहीं से जाना पड़ेगा, चलना okay.
हाउ हाउ कैन एक सेकंड बाबू यहाँ आ रही हूँ मैं आई डोंट थिंक वी शुड गो नहीं this. तो बेसिकली गाइस प्लान हो चुका है कैंसिल हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि आगे है बहुत ज्यादा स्लिपरी और बारिश हो चुकी है ऑलरेडी और ये सिमरन जो है ये थोड़ा सा डर जाती है बिकॉज ये गिर गई थी और अभी फिर से गिरने वाली थी तो चल चलते हैं ये तो सीधा पानी में जाती हां गिरती है सीधा पानी में जाती वो नहीं कहीं तो रुकती स्केरी है चल वहां से यहां से चलते हैं हां चलो फिर से ट्राई करें जाने का तो बारिश और तेज होती गई एंड हम आज तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए बट मजे की बात यह थी कि हमें एल्गोनक्विन के एक छोटे से ढाबे टाइप जगह पे एक चाय मिल गई हे गाइस वेलकम टू अनदर डे एज यू कैन सी फाइनली इंद्रदेव जा चुके हैं और सूर्यदेव आ चुके हैं And it's a sunny day and there's no sign of rain. एक problem हुई है वैसे तो बहुत ही सुंदर है अभी भी but थोड़ी सी fall ना हो चुकी है because बहुत ज्यादा बारिश ही बारिश में basically क्या होता है जो leaves होती है वो बहुत कच्ची होती है वो सारी नीचे गिर चुकी है because of the बारिश so और अभी हम थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पे एक trail नजर आ रही है इस side पे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जाते हैं इधर काफी सुंदर है बहुत ज्यादा हम कच्ची ट्रेल्स नहीं ले रहे हैं वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर लुकआउट पॉइंट्स हैं बट वो हम इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज बारिश होकर आती है इट विल बी वेरी स्लिपरी बट गाइस आज बहुत मजा आ रहा है तो आज हमारी फाइनली वीडियो बढ़िया बनेगी आपने ड्रोन शॉट तो एक दो देख लिए होंगे एक दो हम अभी और लेंगे क्योंकि इतनी सीनिक जगह अगर ड्रोन शॉट नहीं लिए तो क्या मजा आएगा तो दोनों जा रहा है आज बहुत बड़ा काम है पूरी वीडियो में चलो गाइस लेट्स टेक यू टू द ट्रेल ये ट्रेल इतनी सुंदर है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेल इज कि सबके घर कॉटेजेस बनी हुई है साथ साथ दिस इज प्रीटी यार यहां पे रहने में कितना मजा आएगा आई एग्री छोड़ जॉब वॉब क्या करनी है अच्छा घर में खाएंगे कैसे यहां से मछली पकड़ के खाएगा हां मछली पकड़ के खाएंगे यहां पे ये जो ब्रिज है ना तो गाइस ऐसे हम चल रहे थे बट यहां पे जाते जाते एक ये ब्रिज दिखा एक डिटोर था सॉरी यहाँ पे ना हवा बहुत चल रही है और इतना सुंदर ब्रिज है ये और वहाँ देखो वो मेरे को पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा पीछे ना ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे घर बने हुए हैं वो देख घर बना हाँ। है ना बहुत ये आइलैंड तुम खरीद सकते होंगे नहीं है खरीद ले मेरा बर्थडे आ रहा है तेरे बर्थडे पे क्या क्या खरीदेंगे एंड यहाँ से निकल के वी एक्चुअली टुक अ स्लाइटली लॉन्गर रूट जहां पे टेरेन ही कुछ अलग थी तो अभी हम ना एक लेक जा रहे हैं एल्गोंक्विन के पास ही एल्गोंक ये ना पूरा रीजन एल्गोंक्विन के अंदर ही आता है हाईलैंड जैसे कुछ बोलते हैं इसको यहाँ पे सारे रेजिडेंशियल भी हैं एल्गोंक्विन के अंदर जब एंटर करो जहाँ पे हम कल गए थे वहां पे वैसे तो हमारा थोड़ा सा प्रॉपर्टी हुआ था वहां पे बट वहां पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते बट यहाँ पे हम उड़ा सकते हैं बिकॉज उससे पहले वाले जो टाउन है वो एल्गोंक्विन के अंदर नहीं आते एल्गोंक्विन पार्क के अंदर नहीं आते वो सब हाईलैंड में आते हैं तो अभी एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम ड्रोन उड़ाएंगे वहां से आपको दिखाएंगे लेक्स है कितनी क्योंकि मैप पे इतनी लेक्स नजर आ रही है और कल भी हम जब गए थे तो हमने देखा था इतनी सारी लेक्स थी रस्ते में तो हम कोशिश करते हैं ऊपर से देखें
कि लेक्स कितनी है। चलो लेट्स गो। I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. तो अब आए हैं हम अपने एल्गोंक्विन ट्रिप के लास्ट पड़ाव पर। पड़ाव लास्ट स्टॉप पर। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क बाय द लेक साइड, यहाँ पे चेयर्स है और हम यहाँ पे करने वाले हैं पिकनिक। तो बहुत ही अमेजिंग है, अभी थोड़ी देर में ड्रोन उड़ाते हैं, काफी अच्छा मौसम हो रहा है। और आपको जो हमने बताया था ना लेक्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो ड्रोन से हो सकता है लेक भी नजर आए। एक तो लेक हमारे सामने ही है, एक पीछे है ब्रिज और यहाँ पे आई थिंक पता नहीं 100-150 लेक होंगी, क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा नजर आती है छोटी छोटी होती है। और लेक यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, तो खैर बहुत बड़ी लेक है पीछे आपको दिख रही होगी, बट यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉन्ड टाइप ऑफ लेक्स भी हैं। तो पता नहीं पॉन्ड नहीं होंगे, वो छप्पड़ होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉल एक्सपीरियंस इन कनाडा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।